गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ। आज आपके जितने भी डाउट्स क्वेश्चंस हैं वो मैं आज इसको क्लियर कर रहा हूँ। उसी क्रम में आज मैं आपको डॉट क्लास में क्वेश्चन से जो आपके सर आपने पूछा है वो हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं, मैं उनको आज सॉल्व कर दे रहा हूँ। उसी क्रम में एक क्वेश्चन है, 4 ohm coil एंड 2 ohm coil आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वट इज देयर कम्बिनेशन कम्बाइंड रेसिस्टेंस, अ टोटल करेंट ऑफ 3 ampere पासिस थ्रू क्वाइल्स, वाट करेंट पासिस थ्रू द 2 ohm coil। दिस क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये इसमें कम्बिनेशन पैरेलल कम्बिनेशन में है, इसलिए करेंट वैरी करेगा। हर एक क्या कहते हैं अलग अलग रेसिस्टेंस में अलग अलग करेंट पास करेंगे। तो वैसे स्थिति में पहले हम लोग करते हैं सोल्यूशन में, लेट द टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू आर एज दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो दैट द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस विल बी 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, दिस वन इज इक्वल टू 1/2 + 1/4, दिस वन इज इक्वल टू 2 + 1/4, दिस वन इज इक्वल टू 3/4। नाउ R इज इक्वल टू 4/3 ohm, हियर करेंट I इज इक्वल टू 3 ampere, इन दैट केस therefore V इज इक्वल टू IR फ्रॉम ओम्स लॉ, 3 × 4/3, दिस वन इज इक्वल टू 4 volt। नाउ R1 इज इक्वल टू V/I या I1 जो कहिए, I1 इज इक्वल टू V/R1। तो पहले स्थिति के लिए वोल्ट आपको 4 volt हो गया और R1 जो है चूंकि आपको 2 ohm रेसिस्टेंस से ही करंट पास कराना है तो 2 × 4 2 ampere रेसिस्टेंस, सॉरी 2 ampere करंट पास करेगा 2 ohm रेसिस्टेंस से। हो गया, दिस इज द आंसर। यू प्लीज राइट इट, देन आफ्टर आई विल डू अनदर क्वेश्चन। सनफ्लावर शोज द मूवमेंट टुवर्ड्स इट्स स्टिमुली। यू विल सी इन द फर्स्ट केस द सन रेज फॉल परपेंडिकुलर सो दैट इट जस्ट द फ्लावरिंग पार्ट ऑफ या फ्लावरिंग स्टेम इट इज परपेंडिकुलर, बट वेन द सन रेज बिकम्स नैरो slightly bent, then it bends towards the sun rays. So it shows that the sunflower shows the movement. It means that plants also show the movement. This is the answer. There, perhaps as I am thinking, is there any need of writing this one? No. Now another question which has been given by a student. छुईमुई का पौधा छूने पर क्यों मुरझा जाता है? इसका पहले आप हिंदी में समझ लीजिए तब मैं आपको इंग्लिश में समझा देता हूँ। छुईमुई के पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं उसके तना से जुड़ा हुआ सैक्स होता है, गैप, जैसे ही उसको स्टिमुली के प्रति काफ़ी तेजी से वो रिएक्ट करता है। जैसे ही टच किया जाता है तो एक हाई प्रेशर वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है और उसका पत्ती का पानी जो है वो नीचे की तरफ सेलेक्ट हो जाता है और जैसे सेलेक्ट होता है धीरे धीरे वो सारी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं। फिर आफ्टर सम टाइम एज द वाटर लेवल्स राइजेज अप देन वंस अगेन इट कम्स इट इज ऑन ओरिजिनल पोजिशन। अब आपका जो लैंग्वेज में क्वेश्चन है मैं उसको पढ़ के इंग्लिश में समझा देता हूँ। वाई इट मीमोसा पुदी का प्लांट फोल्ड वेन वी टस्ट इट। क्वेश्चन शुड बी रिटन एज वाई डस मीमोसा पुदी का प्लांट फोल्ड वेन वी टच इट। वेन वी टच इट देन इट रिएक्ट्स टू वेरी रैपिडली टुवर्ड्स स्टिमुली and in that case it bend at the water in that case a high pressure zone is raised into the leaves of plant, then the water into the sacks of leaves just falls down very rapidly and so that the all leaves just flaccid very rapidly, the last one. And when water level rises up and it reaches towards the very deep part of the plant, plant's leaves,
देन वंस अगेन इट कम्स इट इन ओरिजिनल पोजिशन. एज आई थिंक यू ऑल विल हैव अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली. Now another question which is related by electricity. These questions were asked very earlier, 20th April, as I have already solved these questions. And control and coordination, this will be our chapter. Control and coordination relates to Sturmeli chapter. In the next chapter we will discuss more details about it. A student has asked me another question. What will be the resistance of a metal wire of length 2 meters and an area of cross section is 1.55 into 10 to the power 6 meter square if the resistivity of the metal be 2.8 into 10 to the power minus 8 ohm meter? Now I am going to solve this question on blackboard. And I hope you please stay at home and stay safe. Once again, before I give you the solution, this is the doped class and very rapidly on computer network. It means ki on net classes, class takes very rapidly. So that today's class will be only to solve the doped classes regarding all types of questions. So let's we have a look on. Questions are, what will be the resistance of a metal wire? I have to write the question because many students will cover it. What will be the resistance of a metal wire? Cross section one point five five into 10 to the power 6 minus 6 meter square if the resistivity of the metal as I am thinking you all have already seen it, yeah, you can say matlab, do you watch total words is written on blackboard or easy to see? Now I am going to give the solution. As you know that resistance is directly proportional to L and inversely proportional to area of cross section. In that case, R is directly proportional to L by A. That is, R is equal to rho L by A. We have to find out what will be the resistance of a metal wire. So that resistance we have to find. Metal resistivity has been given 2.8 into 10 to the power
माइनस 8 ओम मीटर, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, एंड लेंथ इज कंसर्न इट इज गिवन 2 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो गिवन 1.55 इंटू 10^-6. Now you may calculate it very easily. This one be written as 10^2. This one be written as 10^1. So it can be written as 28/155 into 2 into 28/155 into 10^-8 +6 + 1. This one is equal to 56/155 into 10^-1. In this case, we have to divide it. And that will be the answer. As per given data, as I have written it here, what will be the resistance of a metal wire of length 2 meter and area of cross section? Resistivity of the metal be itna. We have to find out here. 2.8, this one into 10^-8 into length is given 2. Oh, in that case I have just given the description, and whatever the solution is concerned, 8 × 56, 155, 10 is left, -10 + 1, -6 is just given up, +7, 6, 7, 1. -10^-1, I have just divided it and that answer is 0.036 ohm. Thank you. Our lovable students, dear guardians, I request you all guys, you please stay at home and stay safe, because perhaps India is going to in the third zone, it means community spread. Because there are so many people are coming from outside of the country in our native places, and perhaps who is contaminated of this type of COVID-19 virus, we don't know. So I would like to request you please be aware for these 20 days at any cost. This will make you safe and your society and the nation. So this is our first and formative duty to please stay at home, stay safe, and if it is very essential, then if you go to market, then you must maintain the social distancing, use mask, and use hygienic food. Thank you and have a nice day.